अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कट टू फिट के सिलसिला मुताले पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 8 में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम इकबाल के खुतबा आले बाद का पस मंज़र बयान किया जाएगा, इसके अहम नुकात बतलाए जाएंगे और क़याम पाकिस्तान में इस खुतबे की अहमियत पर रोशनी डाली जाएगी। लेक्चर शुरू करने से पहले कट टू फिट को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इकबाल प्रेजिडेंशल एड्रेस 1930 टू मुस्लिम्स, सेपरेट आइडेंटिटी वाज द की इशू। They tried their best to make rival nation understand that Muslims are separate nation, having different culture, language and religion. मुसलमानों के लिए जो सबसे अहम मसला था वो जुदागाना शनाख्त तस्लीम करवाना था। हिंदुओं का सारा ज़ोर अंग्रेज़ों को ये बावर करवाना था कि हिंदुस्तान में सिर्फ़ एक कौम आबाद है और वो है हिंदू, मगर मुसलमानों ने ये बतलाया कि यहाँ पर एक और कौम भी आबाद है जिनका हिंदुओं के रीति रिवाज, रहन सहन, ज़ुबान और मज़हब मुख्तलिफ है। यानी जिनका मुसलमानों का हिंदुओं से मुसलमान रीति रिवाज, मज़हब, ज़ुबान वगैरह सब मुख्तलिफ है। अब इस सूरत में जब पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा 1930 में हुई थी, तब दिसंबर 1930 में आल इंडिया मुस्लिम लीग का एक इजलास हुआ, इस जिसकी सदारत कायदे आज़म नहीं अल्लामा इकबाल ने की, और उन्होंने अपना एक खुतबा पेश किया। इस खुतबे को खुतबा अलाहाबाद कहते हैं। और इस खुतबे में उन्होंने जो मसाइल बयान किए वो यही बयान किए थे कि मुसलमान भी एक कौम आबाद है जिनका रस्म व रिवाज, मजहब, ज़ुबान ये सब हिंदुओं से अलग है। ये था जनाब खुतबा अलाहाबाद का पस मंज़र। आगे इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, यानी इस खुतबे में कौन कौन से अहम नुकात इकबाल ने पेश किए। ऑन दिसंबर 1930 द एनुअल मीटिंग ऑफ आल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट अलाहाबाद। अलामा इकबाल एड्रेस फॉलोइंग इशू। टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड डब्ल्यूएफपीसी इन पंजाब एंड बलोचिस्तान शुड बी कंबाइंड इन वन स्टेट फोकस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ द इस्लाम। फेडरलिज्म कैन नॉट सक्सीड विदाउट रीऑर्गेनाइजिंग द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस। ये कुछ अहम नुकात थे जिनमें टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन, टेरिटोरियल का मतलब होता है जोग्राफियाई, जोग्राफियाई का मतलब होता है ज़मीनी हदूद। तो इकबाल ने कहा था कि ज़मीनी हदूद का तायुन अगर करना है तो वो मज़हब की बुनियाद पर किया जाए। उसके अलावा NWFP सिंध और पंजाब बलूचिस्तान को एक स्टेट बना दिया जाए, इस्लाम की अहमियत पर उन्होंने ज़ोर डाला। उसके अलावा उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म कैन नॉट सक्सीड विदाउट रीऑर्गेनाइजिंग नेशनल आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम, के मुसलमानों की शनाख्त को तस्लीम किए बगैर जो फेडरलिज्म का जो एक कंसेप्ट है वो कामयाब नहीं हो सकता। तो उसके लिए मुसलमानों की का जुदागाना शनाख्त को तस्लीम करना पड़ेगा और ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में एक और कौम भी आबाद है जो कि मुसलमान है। और पांचवा, हिंदू एंड मुस्लिम आर टू डिफरेंट नेशंस, वही बात है कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ कौमें हैं। ये था जनाब आज का लेक्चर। इस लेक्चर से जो MCQs बन सकते हैं वो है ये। इकबाल स्टे इन यूरोप फ्राम 1905 टू 1908, और ये MCQs में पूछा गया है। ही रिटर्न्ड इन 1908 एंड वर्क ऑन द रूट्स ऑफ मुस्लिम डिक्लाइन टू अपलिफ्ट दैम। ये भी MCQs में पूछा गया, ये दोनों बहुत अहम है। टाइटल सर वाज गिवन टू इकबाल इन 1922। इकबाल वाज अ मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम 1927 टू 30। ये भी MCQs में पूछा गया था। इकबाल डिलीवर्ड लेक्चर इन अलीगढ़, हैदराबाद एंड मदारस 1928 टू 29। ही रोड लेक्चर्स टू जिना, ही रोड लेटर्स, सॉरी माई बैड, ही रोड लेटर टू जिना इन मे 1936 टू नवंबर 1937 एंड टॉक सेपरेट फेडरेशन। ये भी MCQs में पूछा गया कि जिना को जो लेटर लिखा गया था वो किस वजह से लिखा गया था और उसमें क्या कंसेप्ट था। टू मुस्लिम की इशू वाज सेपरेट आइडेंटिटी। ये था जनाब आज का लेक्चर। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।